विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा मसीही समाज द्वारा अवैध तरीके से धर्मांतरण कराए जाने और अवैध चर्च संचालित होने पर जमकर आक्रोश जताया गया। इस दौरान जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे बजरंग दल के नेताओं ने जिला प्रशासन से अवैध संचालित चर्चों पर कार्रवाई की मांग की और चेतावनी भी दी। दुर्ग शहर में आए दिन धर्मांतरण को लेकर कई मामले सामने आए हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कई बार शासन प्रशासन से मौके पर पहुंचकर शिकायत भी दर्ज कराई, जिसके चलते पिछले दिनों रविवार को एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें पत्थरबाजी किए जाने की शिकायत लेकर उन पर कार्रवाई की मांग की और साथ ही जिला प्रशासन को अपनी चेतावनी भी दी कि अगर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करती तो मजबूरन हमें भी खुद कार्रवाई करने बाध्य होना पड़ेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे बजरंग दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी कर प्रशासन का ध्यान अपनी ओर कराया। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। मामला ऐसा है कि छत्तीसगढ़ धर्मांतरण से बहुत ज़्यादा ग्रसित है। हर जिले में धर्मांतरण की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसका पूर्ण विरोध कर रहा है। उसके बावजूद भी हम जहाँ जाते हैं, जहाँ धर्मांतरण को बंद कराते हैं, जैसे हमने श्रीराम चौक उरला में बंद करवाया दुर्ग के, उसके बाद हमने जवाहर नगर दुर्ग में धर्मांतरण बंद करवाया। डी मार्ट के पीछे जो धर्मांतरण कोटिया कला में हो रही थी उनको बंद करने के लिए गए। उसके बाद हम लोग वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने और जगह बदल कर संख्या के बल में रायपुर नाका स्थित धर्मांतरण वहाँ पर पहुँच गए, धर्मांतरण करने लग गए। और जब वहाँ पहुँचे तो उनकी इतनी ताकत बढ़ गई कि वो लोग धर्मांतरण कराते पत्थर डंडे के साथ अपने चर्च में रख के, अवैध चर्च है वो, वहाँ रख के धर्मांतरण कराते। हम जब विरोध करने गए उनसे, जब उनके पादरी से बात करने गए तो वो बिना बात के सीधा वो लोग वार करने लग गए पत्थर डंडे से। इससे हम लोग के कुछ कार्यकर्ताओं को चोट लगी, मुझे खुद भी चोट लगी, मेरे सर से खून बह रहा था। हमने मुलायजा भी करवाया, FIR करा के। अगर आज प्रशासन को हमने ज्ञापन सौंपा है और सीधे शब्दों में कहा है कि अगर उन्होंने पूरे दुर्ग जिले के अंदर अवैध चर्च को तोड़ा नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, उनके पादरी जो धर्मांतरण कराते उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरा अपने सामान लेके, हम डंडा कुल्हाड़ी हर तरह का सामान लेके जाएंगे और खुद वहां पर जाके हम अवैध चर्च को तोड़ेंगे। जो प्रशासन को जो कार्रवाई हमको ऊपर करना है करे, प्रशासन से हम डरने वाले नहीं है। आगे रणनीति है कि हम आज आए हैं ज्ञापन देने और उस ज्ञापन में हमारी मांग है कि उनके ऊपर FIR हो और वो जो अपना अवैध चर्च चला रहे हैं उसके लिए हम मांग की है कि उसका सही कागजात होना चाहिए और सही उनका कानून से आदेश लिया हुआ हो, नहीं होगा तो तोड़ फोड़ करेंगे। ये चीज़ को हम बता दिए हैं प्रशासन को और नहीं माने तो बजरंग दल उग्र प्रदर्शन करेगा और तोड़ फोड़ अपने हिसाब से करेगा, जितना झेलना था झेल लिए। एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।